जो रब करता है वो ठीक करता है। नीचे लगाने भाई मेरे को उल्टा मेरे लिए बेस्ट हो गया भाई, ऐसे मैं कभी शिफ्ट होने पाता। तो भाई ये यार पहाड़ों में जीने का मजा भाई, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है भाई। वैल मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके आप तरसोगे ब्लॉग देखे यार, इतना मस्त भाई। ये देखो कहाँ से आ रहा वाटरफॉल भाई, अलग ही लेवल का मजा यार यहाँ पे। तो अब सपोर्ट करना यार उनको, एक दिन जवाब देना भाई, उनका रिप्लाई करना है जो मेरे साथ हेट करते हैं भाई। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। और आज का व्लॉग पता कितना मस्त होने वाला है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाई उस जगह नाम है कोई नाला, वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा मस्त सा वाटरफॉल भाई। पहले तो वो वाटरफॉल एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अभी एक मिनट हो उसको एक्सप्लोर हुए हुए, तो मेरे पास टाइम था, मैं चला गया था उधमपुर। तो उधर व्लॉग वगैरह बनाने के लिए सोच रहा हूँ उधर ही शिफ्ट हो जाऊँ उधमपुर या जम्मू। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई प्यारा सा वाटरफॉल, इतना मस्त है ना, वहाँ पर आप आ सकते हो घूमने के लिए। पता है गर्मियों के टाइम नहा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो नेचर भाई। मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब बता नहीं सकता किस टाइप का वाटरफॉल भाई, इतनी दूर ऊपर से गिरा आपको देख के पता चल ही जाएगा भाई वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर रही अपनी हॉट बीट, ये देखो भाई मस्त लग रही है। हाय, तो अभी चलता हूँ जल्दी से मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आता हूँ भाई। मैं रास्ते से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, पता है घर से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। तो अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आता हूँ और चलता हूँ भाई। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है रास्ते में, तो व्लॉग में बन रहे एंड तक, बहुत मस्त व्लॉग होने। सो गाइस मैं आ गया मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। और जो इंपॉर्टेंट बात थी पता क्या है यार, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ शायद जम्मू या दिल्ली के लिए शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यार पता है यहाँ पे मैं रहता हूँ यार, यहाँ के लोग मतलब पता कितने वो हैं, मतलब मेरे से इतने ज़्यादा हेट करने लगे हैं अब। तो मेरे साथ कुछ ऐसे पीछे भी सीन हुआ 10-15 दिन पहले, तो उसकी वजह से मैं शायद शिफ्ट हो जाऊँ, दुकान वगैरह शिफ्ट कर लूँगा, दुकान खोलूँगा या नहीं खोलूँगा, खाली व्लॉग बनाता रहूँगा भाई। तो अब सपोर्ट करना यार उनको, एक दिन जवाब देना भाई, उनका रिप्लाई करना है जो मेरे साथ हेट करते हैं भाई। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल के पास, बाकी बातें वहाँ से आते टाइम कर लूँगा भाई, पहले आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है अपनी हॉट बीट भाई, अभी मैं यहाँ से आपको रास्ता दिखाता हूँ भाई। ये रहा गेट वाटरफॉल के लिए जाने का रास्ता भाई, और वहाँ पे वाटरफॉल भाई। यहाँ से शायद गोप्रो ना दिखाए लेकिन मैं फ़ोन में क्लिप लेके दिखा देता हूँ आपको भाई। अभी जल्दी से चलता हूँ कुछ खाने पीने के लिए ले चलेंगे भाई, और बड़ा मस्त वाटरफॉल है यार, आपको पास में जाके दिखाता हूँ भाई। सो गाइस अभी मैं कुछ ऐसे लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ भाई आपके लिए, मतलब जो सरप्राइज था वाटरफॉल का वही दिखाता हूँ भाई। दिखा दूँ, दिखाने का मन तो नहीं कर, दिख गया यार पहले ही, ये देख रहे हो भाई है ना कितना मस्त। तो यहाँ से नज़ारा देखो यार, तो भाई ये यार पहाड़ों में जीने का मजा भाई, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है भाई, मज़ा आ गया यहाँ पे आ गया यार, दिल खुश हो गया भाई। अभी हम जाके मैं उसके नीचे नहाऊंगा भाई जाके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है यार, आज कहीं धूप होती तो फिर मज़ा आ जाना था भाई। बाकी पूरा नज़ारा देखो यहाँ से भाई, कितना मस्त लग रहा है यार। बस यहाँ पे ये कि थोड़ा ट्रैकर करना पड़ता है आपको, दो तीन का 500 एक किलोमीटर ट्रैकर करना पड़ता है भाई आपको। बाकी यहाँ से नज़ारा चेक करो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाई। इसकी रीलें आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर अंकुश मोटो व्लॉग, सेम नाम से आईडी है, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर देना यार। वैल मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके आप तरसोगे ब्लॉग देखे यार, इतना मस्त भाई। ये देखो कहाँ से आ रहा वाटरफॉल भाई, अलग ही लेवल का मज़ा यार यहाँ पे, आप पक्का तरसने वाले भाई। आप नहीं तरसोगे, जो मेरे दोस्त टुकड़े वो तो बोल लेंगे भाई हमें लेके नहीं गया यार। सो गाइस फाइनली मैंने ले लिया पूरे वाटरफॉल के मज़े भाई, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। अगर दोस्तों के साथ मौका मिला आने का तो आऊँगा यार, आरिफ और उनके नूबड़ों के साथ, तो यहाँ पे आके कैंपिंग वगैरह करेंगे भाई, पूरा एंजॉय करेंगे। क्योंकि इस बार मैं अकेला आया था, कोई था साथ में, उतना मज़ा नहीं आया यार। जब दोस्त साथ में होते हैं सारे हरकतें ऐसी करते ना, उनका सब मज़ा बढ़ाता है। तो दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा दोस्त हैं जो थे नूबड़े वो। अभी मैं हार्ट बीट के पास पहुँच कर रास्ते बताता हूँ उन्होंने क्या क्या सीन किया मेरे साथ। तो चलता हूँ यार और मिलता हूँ सीधा अपनी हार्ट बीट के पास। सो गाइस मैं आ गया वाटरफॉल घूम के, तो बता देना यार कैसा लगा आपको वाटरफॉल। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया यार उधर जाके, था अकेला, अगर दोस्त होते साथ फिर तो अलग ही लेवल का मज़ा आना था। पर यार पता का चक्कर है, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, वो वजह ये है कि जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे साथ कोई गिरदारी की, ऐसे आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूंगा क्या किया उन्होंने मेरे साथ क्या नहीं भाई। गाँव में ऐसे देखो आप घूमने का तो मज़ा है ठीक है, चक्कर चक्कर लगाने का मज़ा है, लेकिन भाई जो लोग हैं ना लोग बड़े ख़राब हैं यार गाँव के।
भाई बस आगे मैं बात कर रहा था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि गांव के लोगों को कुछ काम होता नहीं है, अगर आप काम करोगे थोड़ा बहुत ग्रो करोगे तो गांव के लोग पता क्या सोचते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं। तो डुड्डू में मेरे साथ ऐसा कुछ सीन होने लगा था, मैंने उधर से खुद ही शिफ्ट होना है, तो होना क्या हो गया हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम में पता चल जाएगा आपको कहाँ हो रहा हूँ शिफ्ट करने की। वैसे मैं शायद एक दो दिन मैं दिल्ली निकल जाऊँ तो आपको व्लॉग दिखे जाएंगे वो। बाकी भाई मैंने आपको एक ही बात बता दी, दोस्त में कभी ट्रस्ट नहीं करो, ऐसे कोई आपका बड़ा ही खास है लेकिन उसको भी अपना दिल के राज नहीं बताओ किसी को भी, ठीक है? क्योंकि दोस्त साले गद्दार निकलते हैं। मेरे उस दोस्त थे जो जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, भाई वो मेरे को आधी रात को बोलते थे कि काम है भाई तो आ जा, तो मैं उनके साथ खड़ा होता था आधी रात को, ठीक है? लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ गलत किया भाई, आगे से आकर दिखाने लगे, मेरे को बोलते अपना एटीट्यूड कम कर। मैं क्यों करूँ अपना एटीट्यूड, उनके बाप ने तो दिए नहीं मेरे को पैसे, जहाँ उन्होंने कुछ किया मेरा काम चला रहे हैं वो, तो उनको मैं एटीट्यूड नहीं दिखाऊँ, बाढ़ में जाए ठीक है, जिसने जो करना वो कर ले, उन्होंने जो करना था अपने से कर लिया। लेकिन उन्होंने मेरे को सोचा था कि नीचे लगाएंगे भाई, लेकिन जो रब करता है वो ठीक करता है, नीचे लगाने वाले मेरे को उल्टा मेरे लिए बेस्ट हो गया भाई, ऐसे मैं कभी शिफ्ट हो नहीं पाता, उधर ही रह जाता। लेकिन अब भाई जो हुआ ठीक हुआ, देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, मेरे को बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और थोड़ा सा प्यार भाई, सपोर्ट करो जल्दी जल्दी अपने भाई को काम जाओ बनाओ भाई, फिर देखना। ऐसे भाई उनकी गलती इतनी है पता है, जैसे मेरे जब से मेरी पेमेंट स्टार्ट हो गई उनको पता है भाई अब ग्रो कर रहा है तो डुड्डू में जगह वगैरह लेगा, सारा कुछ दुकान वगैरह इसकी ठीक चल रही है तो उसको यहाँ से निकालते हैं, तो उन्होंने भाई प्लान बनाया हुआ ऐसा ही, तो उधर से मेरे को निकालने का सोचा। मेरे को पता चल गया था पहले ऐसे कि मतलब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो मैंने खुद ही उधर शिफ्ट होने का सोच लिया भाई, क्योंकि जो ऊपर वाला करता है वो ठीक करता है। अगर मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा ना भाई मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई उधमपुर रहूँगा, जम्मू रहूँगा, दिल्ली रहूँगा, डेली व्लॉग तो बनाऊँगा कम से कम आपके लिए, तो आप सपोर्ट करोगे फिर तो काम जाओ ना पक्का ही है भाई। तो ठीक है यार, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, ये वाला व्लॉग मैं इधर एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ किसी और व्लॉग में भाई, सपोर्ट करना ठीक है, थैंक यू सो मच।